आप जानते हैं जब हम प्रभु में आए तो हम पापी थे, हालेलुया। और परमेश्वर के सामने जब हमने नतमस्तक किया, पश्चाताप किया और उसने हमें सारे पापों से मुक्त कर दिया और हमें विश्वासी बना दिया और हमें मसीह बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग कौन है? मसीह है। मसीहों में से पाप निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पापों और शापों से मुक्त हो चुके हैं। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम पापों और शापों से मुक्त हो चुके हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहों का पाप क्या है। आप जानना चाहते हैं मसीहों का पाप क्या है? मसीहों का पाप है कि आप धन्यवाद नहीं करते। अगर आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो आप पाप करते हैं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है अगर आप उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। और धन्यवाद मेरे भाई मेरी बहन, हमारी एक मसीह का सबसे बड़ा गुण है कि हर पल हम उसका धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हर पल उसका धन्यवाद करेंगे, भजन 69:13 का निकालिए मेरे बच्ची, जब हर पल हम उसका धन्यवाद करेंगे तब हम उसे और जानेंगे, तब हम उसके और करीब आ जाएंगे। आप सोचिए आप धन्यवाद कैसे करते, किसका करते हैं आप? बाइबल के अनुसार धन्यवाद क्या है? धन्यवाद है क्या? धन्यवाद क्यों चाहता है कि परमेश्वर हम करें उसका? हेलो, जानना चाहते हैं आप? किसी भाई ने, किसी बहन ने, आपके फ्रेंड ने आपको कोई प्रेजेंट दिया, आपने कहा धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद कब करते हैं? हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें? ये तीन सवाल हैं, बहुत जरूरी हैं। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें? अगर आप चाहते तो लिख लीजिए, परमेश्वर इसलिए चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। एक तो जो परमेश्वर ने दिया है जिसके लिए हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं उसको हम जानते हैं। जब हम धन्यवाद करते हैं तो हम जानते हैं, हाँ धन्यवाद परमेश्वर। नंबर दो, इससे भी गहरी बात कि जब हम आत्मा से उसका धन्यवाद करते हैं तो हम अपने आप को भी परखते हैं। देखिए, आप उस धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को बता रहे हैं कि परमेश्वर तूने मुझे पापों शापों से मुक्त किया, तूने मुझे चुना और चुनकर नियुक्त किया। लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप भी ये एहसास कर रहे हैं कि मैं चुना हुआ हूं, मैं पवित्र हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निष्कलंक हूं, मैं परमेश्वर का उत्तराधिकारी हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हेलो, दो चीजों को आप, एक धन्यवाद आपका दो चीजों तक की तरफ आपका ध्यान लेकर जाता है कि धन्यवाद आप जब करते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं को समझते हैं, धन्यवाद जब करते हैं तो उसकी वाचा के बारे में जानते हैं, धन्यवाद जब करते हैं तो उसकी आज्ञाओं के बारे में जानते हैं, उसकी चेतावनियों के बारे में जानते हैं, उसके प्रेम के बारे में जानते हैं। और जब धन्यवाद आप करते हैं अपनी आत्मा से तो आप जानते हैं कि मैंने उसको कबूल किया है। हालेलुया, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मैंने ले लिया है। इसलिए भजन संहिता 69:13 क्या कहता है देखिए, परंतु हे युवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। हाँ, वो कहता है कि मैं कब तेरी प्रार्थना करूं? जब तू प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कब प्रार्थना करूं? जब तू प्रसन्न होता है। कब प्रसन्न होता है परमेश्वर? जब आप उसे समझने लगते हैं। हेलो, अगर आप उसे नहीं समझ रहे हैं वो कैसे प्रसन्न होगा कि मेरे बच्चे को शुद्ध किया, पवित्र किया, अपने इकलौते पुत्र का, मैंने यीशु मसीह का बलिदान किया और मेरा बच्चा समझ ही नहीं रहा है, उस क्रूस की कीमत को नहीं समझ रहा है, उस बलिदान को नहीं समझ रहा है, यीशु ने जो लहू बहाया उसको नहीं समझ रहा है, यीशु ने जो कष्ट सहे उसको नहीं समझ रहा है। और इसलिए आप धन्यवाद नहीं बोल रहे क्योंकि आप समझ नहीं रहे। लेकिन जब आप धन्यवाद बोलते हैं, जब आप कहते हैं पिता मैं समझ गया हूं कि यीशु मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हुआ, जब आप जानने लगते हैं कि मेरा जो नया जन्म है उसकी कीमत क्या है, जब आप जानने लगते हैं कि इस धरती पर मैं
मैं पराया हूं, मैं एक, ये धरती मेरी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, मैं यहां मेहमान की तरह हूं, मेरा घर तो स्वर्ग में है। और जब आप ये जानने के बाद उसका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, तो वो प्रसन्न होता है। हालेलुया, तो वो प्रसन्न होता है। इसलिए वो कहते हैं, दोबारा पढ़ो बेटा भजन संहिता 69 का 13। परंतु हे युवा, मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसन्नता के समय ही हो रही है। आमेन। क्यों हो रही है? क्योंकि मैं धन्यवाद कह रहा हूं। बोलिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। जब हम धन्यवाद के साथ अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, जब हम धन्यवाद के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई बहन, आपका संपर्क सीधा परमेश्वर के पास होता है। जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद कि तूने मुझे जीवन दिया, धन्यवाद कि तूने मुझे समझ दी, धन्यवाद कि परमेश्वर तूने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया, मैं कहां था, मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, मैं दलदल की कीचड़ में था, और तूने मुझे उठाकर
नहलाकर धुलाकर चट्टान पर स्थिर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद, मैं सच कह रहा हूं, जब हम आत्मा में महसूस करते हैं कि आप कहां थे और परमेश्वर ने आपको कहां लाके खड़ा कर दिया है, जब आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कितनी बुराइयां थीं, आपके अंदर कितने अवगुण थे, आपकी दृष्टि कितनी गलत थी, आपके विचार कितने गलत थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको पवित्र कर दिया है। जब आप महसूस करने लगते हैं कि उसकी आत्मा हमारे अंदर है, जब आप महसूस करने लगते हैं कि वो आत्मा हमें दिशा देती है, वो आत्मा हमें अनुग्रह के साथ हमारे साथ रहकर हमें 9 फलों में बढ़ाती है, जब आप महसूस करने लगते हैं और जब उसके 9 फल आपके अंदर प्रकट होने लगते हैं, हालेलुया, वो दिन पवित्र होता है, वो एहसास, वो विचार, वो स्वभाव आपके जीवन में आता है और आप परिवर्तित हो जाते हैं। आपके अंदर से क्रोध निकल जाता है, आपके अंदर से लालच निकल जाती है, आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहता, फिर आपका मन करता है मैं किसी की सेवा करूं, फिर आपका मन करता है नहीं मैं ना खाऊं लेकिन जो भूखा है उसको खिलाऊं। हालेलुया, ये क्या है, ये सारा आपको नहीं पता, ये वो स्वभाव है जो परमेश्वर ने अपना आपको दिया है। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हर पल हर क्षण हमारे मुंह से धन्यवाद निकले। आप नहीं जानते कि अंधकार की शक्तियां किस तरीके से आपको घेरे हुए हैं, अंधकार की शक्तियां जिन्हें आप देख नहीं सकते। आप मसीह हैं, मसीह हैं आप, आपको ये जानना जरूरी है कि आपका दुश्मन कौन है। आपको पता है आपका दुश्मन कौन है? आपका वो दुश्मन है जो आपको दिखता नहीं है, और वो दुश्मन जो नहीं दिखता है ना, वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है, जो आपको देख सकता है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। आपको पता है आपको परमेश्वर की जरूरत क्यों है, आपको पिता की जरूरत क्यों है, आपको यीशु के लहू की जरूरत क्यों है? पता है आपको? क्योंकि जो दुश्मन आपको देखता है, उस दुश्मन को वो देखता है। हम अपने दुश्मन को नहीं देख सकते, हम अपने अंधकार की शक्तियों को नहीं देख सकते, लेकिन मेरा यीशु उनको देखता है। इसलिए हमें उसकी जरूरत है हर पल हर क्षण, ताकि हम उसकी अगुवाई में चलते रहें, ताकि हम उसके बने हुए, उसके वचनों के द्वारा, उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए उसके बने रहें हर पल हर क्षण। इसलिए मूसा ने कहता है निर्गमन 33 में कि मैं, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वही मूसा था जो मना कर रहा था कि किसी और को भेज दो, मैं नहीं जानता हूं। वही मूसा कह रहा है कि नहीं, अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है, मैं जान गया हूं कि तू कौन है। मेरे भाई, हमें जानना है कि जो पिता सर्वशक्तिमान, जिसने आकाश और धरती की रचना की, जिसने अपने इकलौते पुत्र का हमारे लिए बलिदान दिया, वो कौन है और वो हमसे कितना 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 प्यार करता है, कितना प्यार करता है। वो कहता है कि क्या एक मां अपने बच्चे को जिसको दूध पिलाती है उसको छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। लेकिन अगर कैसा हो जाए कि वो छोड़ भी दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर जानता है कि मां के ममता क्या होती है, लेकिन वो बता रहा है कि मेरे बच्चे तू मेरा है, तू नहीं जानता कि मैंने तुझे कैसे पाया है, मैं तुझे क्या समझता हूं, मैंने अपनी आत्मा तेरे अंदर डाली है। हेलो, उसकी आत्मा हमारे अंदर है। आप सोचिए कि उसने कैसे आपको ग्रहण किया है। होशे की पत्री अगर पढ़ेंगे आप, होशे 2:19-20 पढ़िए। हालेलुया, होशे की पत्री में मैं आपको, आप देखिए उसके प्यार को, देखिए
क्यों हमें धन्यवाद कहना चाहिए, क्यों वो धन्यवाद के योग्य है, क्यों धन्यवाद हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है, और क्यों धन्यवाद चारों तरफ अग्नि का बाड़ा बांध देता है हमारे चारों तरफ, आपको पता है? हालेलुया। होशे की पत्री 2:19-21 जल्दी से पढ़िए। हालेलुया। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और वो प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, मैं तुझे सदा के लिए ब्याह लूंगा। हेलो, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है कि जब तू मेरे पास आएगा, जब तू मेरा बनना चाहेगा, जब तू पश्चाताप करेगा, जब तू चाहेगा कि मुझे तेरी जरूरत है, जब तू कहेगा मैं समर्पित हूं, तो मैं सदा के लिए तुझे ब्याह लूंगा। हेलो, आप लोग एक्साइटेड नहीं है? हालेलुया। वो कह रहा है मैं सदा के लिए तुझे ब्याह लूंगा और मैं तुझे धार्मिकता न्याय करुणा और दया के साथ ब्याहूंगा। ऐसे नहीं ब्याहेगा, नाम मात्र के लिए नहीं, उसका नाम आपके साथ जुड़ा है, वो अपनी धार्मिकता न्याय दया और करुणा के साथ बिठाएगा। इसलिए जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आप उसकी करुणा को याद करते हैं। धन्यवाद क्या है कि आपके अंदर उसकी करुणा की याद, आप याद करते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। धन्यवाद पिता। जब आप धन्यवाद देते हैं, इसका मतलब आप आमीन बोलते हैं, इसका मतलब आप हामी भरते हैं, इसका मतलब आप कन्विंस होते हैं कि यस, उसकी करुणा मेरे लिए है, उसकी दया मेरे लिए है, उसने न्याय किया है, उसकी धार्मिकता मेरी है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, उसकी धार्मिकता मेरी है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहता है, अगर इसी पद को हम देखेंगे, इफिसियो 4:24 अगर देखेंगे, तो यहां पर बताएगा धार्मिकता और पवित्रता उसके वस्त्र हैं। हेलो, आप जो धन्यवाद कहते हैं, कब कहते हैं? और मैं आपको सच बता रहा हूं, धन्यवाद यूं कहना भी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसकी धार्मिकता को जान लें, जब आप उसके प्रेम को जान लें, जब आप उसकी करुणा को जान लें, जब आप उसके अनुग्रह को समझ लें, जब आप जान लें कि वो कितना प्यारा है, उसने पहले हमसे प्यार किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इफिसियों 4:24 क्या कहता है, और नए मनुष्य को पहन लो। वो कौन से मनुष्य को तो पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कह रहा है इफिसियों की पत्री में, कि सत्य के नए मनुष्य को पहन लो। हमें कौन सी सृष्टि दी, हम नई सृष्टि में। हालेलुया। हम नए हैं, बोलिए मैं नया हूं, मैं नया हूं, मैं यीशु में नया हूं। हालेलुया। होशे की पत्री में वो कहता है कि मैं तुझे ब्याह लूंगा, और कैसे ब्याहूंगा, अपनी धार्मिकता के साथ, अपनी दया के साथ, अपनी करुणा के साथ, अपने न्याय के साथ। हालेलुया। और उसकी धार्मिकता और पवित्रता वो खुद है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब वो आपसे ब्याह लेगा, तो उसकी धार्मिकता आप में आ जाएगी। जब वो आपको ब्याह लेगा, तो उसकी करुणा, उसका न्याय, उसकी दया आपके अंदर जीवन जीवित होगी, और आप उसके साथ चलेंगे। इसलिए धन्यवाद करना जरूरी है कि हम हर पल महसूस करें उसकी दया को, क्योंकि जब उसने ब्याहया है हमें, जब उसने हमसे शादी की है, तो उसने अपनी दया के साथ की है, करुणा के साथ की है। इसलिए हर पल, चाहे विपत्ति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम उसकी करुणा को ना भूलें, हम उसकी करुणा को ना भूलें, उसकी दया को ना भूलें, क्योंकि उसकी दया अद्भुत है और अनंत काल के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दोबारा दिखाइए होशे की पत्री 2:19-20। हालेलुया। होशे की पत्री देखिए, अब देखिए 19वां क्या कहता है, मैं तुझे सदा के लिए ब्याह लूंगा, हां मैं तुझे धार्मिकता न्याय करुणा और दया के साथ ब्याह लूंगा, मैं सच्चाई से तुझे ब्याह लूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर कितना आपको अपना बनाने में, वो कैसे आपको कन्विंस कर रहा, बता रहा है सच्चाई के साथ तुझे ब्याह लूंगा, तब तू यहोवा को पहचान लेगी। हे मेरी प्रजा, हे मेरी बेटी,
हे मेरी दुल्हन, तब तू मुझे पहचानेगी जब तू उस धार्मिकता को महसूस करेगी। क्रूस पर क्या मिला हमें? क्रूस पर क्या मिला है? यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को लिया। हालेलुया। देखिए, क्रूस को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको 3 तारीख को समझाऊंगा, उसका एक अलग विषय मैंने लिया है। तो धार्मिकता हमें कहां से मिली? क्रूस से मिली। तो वो कहता है कि मैं तुझे बहा लूंगा और अपनी धार्मिकता, न्याय, करुणा और दया के साथ बहा लूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी। कब पहचानेगी? जब तू मेरी दया को समझ जाएगी, जब तू मेरी करुणा को समझ जाएगी, जब तू समझ जाएगी मेरे प्रेम को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, आप पूरी बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का प्रेम बहुत 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 अद्भुत है। आप नहीं जानते हैं, हम कभी कभी दोष लगाते हैं, हम कभी कभी विपत्तियों में ऐसे उलझ जाते हैं, हम कभी कभी संदेह करने लगते हैं। नहीं मेरी बहन, मेरे भाई, कभी नहीं। हमारे मन में संदेह का विचार आना भी नहीं चाहिए। वो पिता है, वो पिता है, उसने अपनी धार्मिकता, न्याय, करुणा और दया के साथ हमको बिहा लिया है। हम उसकी बिहाई हुई स्त्री हैं, हम दुल्हन हैं। अब अगर हमें नौकरी ना भी मिले ना, तो नो प्रॉब्लम। आप नहीं जानते कि उसकी धार्मिकता का खजाना आपके पास है, उसकी करुणा का खजाना आपके पास है। मेरी बहन, मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कि तू कौन है। हमें रोज उसके करुणा को महसूस करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम महसूस करते हैं, हम किस बात का धन्यवाद दें? क्या किया है? माँ बाप से भी पूछते हैं ना कि आपने माँ बाप किया है, बड़ा किया, हमको खिलाया पिलाया, ठीक है ना? माँ बाप है, आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया। हम जो सांसें लेते हैं ना, कम से कम उसी लिए धन्यवाद करिए कि हम रोज सांस तो ले रहे हैं, ये भी उसकी देन है। मैं आपको सच बता रहा हूं, छोटी सी छोटी बातों में जब आप उसको देखना शुरू करेंगे, छोटे से छोटे आशीषों में जब आप उसके प्रेम को महसूस करेंगे, उसकी करुणा को महसूस करेंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे, मैं सच कह रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, आपकी आत्मिक उन्नति होगी और रोज आप परमेश्वर को अपने अंदर, अपने करीब देखेंगे, अपने करीब देखेंगे। और जब आप ऐसे हो जाएंगे, जब आप उसको समझने लगेंगे, तब वो कहता है कि तब तू मुझे, यहोवा को पहचान लेगी कि मैंने तुझे पहचान लिया है। और तब 21वां वचन क्या कहता है? दूसरा का 21, होशे की नबी का, यहोवा यूं कहता है कि उस दिन ऐसा होगा, मैं उत्तर दूंगा। जिस दिन आप उस धन्यवाद को समझ लेंगे, जिस दिन आप अपने उस रिश्ते को समझ लेंगे, जिस दिन आप उसकी करुणा को जान लेंगे, जिस दिन आप उसकी दया को जान लेंगे, जिस दिन आप उसकी धार्मिकता को समझने लगेंगे, वचन कहता है कि उस दिन वो बोलता है, मैं तुझे उत्तर दूंगा। तेरे सारे उत्तर मिल जाएंगे, आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। भाई, जब नया नया आया था, न्यू लाइफ में मुझे लेके गए थे, और मेरे सारे बहुत सवाल थे, मेरे बहुत से सवाल थे, ये क्यों होता है, ये क्या होता है। उस समय पैशन ऑफ द क्राइस्ट आई थी, उसको देखकर मेरे पास कई सवाल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर का हर मेरे संदेह का परमेश्वर ने आंसर दिया, हर सवाल का जवाब दिया। प्रेज द लॉर्ड। तब वो कहता है कि मैं तुझे उत्तर दूंगा। देखिए, ध्यान दीजिए, तब यहोवा कहता है कि उस दिन ऐसा होगा कि मैं उत्तर दूंगा, मैं आकाश को उत्तर दूंगा, वो पृथ्वी को उत्तर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, वो आकाश को उत्तर देगा, आकाश पृथ्वी को उत्तर देगा, पृथ्वी अन्न, दाखरस, तेल को उत्तर देगी, और वे इज़राइल को उत्तर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यूं ही नहीं कहता है तू क्या खाएगा, तू कहां रहेगा, इसकी चिंता मत कर, नहीं कहता है। वो कह रहा है कि वो आकाश को उत्तर देगा। आकाश पूछता है,
वो पृथ्वी को उत्तर देगा, पृथ्वी दाख रस अन्न जो भी आपकी जरूरतें हैं उनको उत्तर देगी कि उस मसीह के पास, उस आशीषित मसीह के पास। अब इसलिए कहता वो डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी को उत्तर दे दिया है, उसने उत्तर दे दिया है, और पृथ्वी ने दाखरस तेल और आपकी सारी जरूरतों को उत्तर दे दिया है क्योंकि आप इजरायली हैं। हम मसीह हैं, हमारी सुरक्षा उसके हाथ में है। हमें जरूरत नहीं है अपनी चिंता करने की, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप चिंता करते हैं इसका मतलब आप उस पर संदेह करते हैं, आप चिंता करते हैं इसका मतलब आप उस पर संदेह करते हैं, और आप संदेह करते हैं तो पाप करते हैं। अरे मुझे काम देने वाला प्रभु है, जिस दिन काम नहीं है उस दिन उदास मत होइए। मैं आपको सच कह रहा हूं, खजाने की चाबी दे रहा हूं, जिस दिन आपके पास काम नहीं है उस दिन उदास मत होइए, उस दिन आनंद मनाइए कि धन्यवाद आज मेरे पास काम नहीं है क्योंकि मेरे पास पिता की इच्छा पूरी करने का काम है। हालेलुया, मेरे पास बहुत बड़ा काम है, और वो काम क्या है कि मैं अपने भाई अपनी बहन को पिता के बारे में बताऊं। मेरे पास क्या काम है कि मैं उसका धन्यवाद करूं, मैं धन्यवाद करूं। हालेलुया, बिली ग्राम जो 99 साल में उनकी डेथ हुई, बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, बहुत बड़े परमेश्वर के दास हुए हैं। अंतिम दिनों में उनसे पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? कहता मैंने बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, अब मेरी इच्छा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं और उसके साथ रहूं, उसको और जानूं। अब सोचिए, उसके और करीब जाना चाहता है वो। हम उसकी संपूर्णता को नाप नहीं सकते, हम उसके प्रेम को नाप नहीं सकते। अभी तो आपने देखा क्या है, आपने कुछ भी नहीं देखा है, अभी तो आपने महसूस ही नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड, जिस दिन आप उसको महसूस करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप उसके प्रेम को, जिस दिन आप महसूस करना शुरू कर देंगे मेरे भाई, आपका जीवन, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी सोच बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, आपकी सोच बदल जाएगी। आप अपने आप, हम लोग फिजूल में अपने जीवन की चिंता करते हैं, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एक पैसा भी नहीं करनी चाहिए। वो कही तो उसके, अरे वो जो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, उसको कोशिश, उसको दीजिए तो सही मौका। प्रेज द लॉर्ड, महसूस तो करिए। और ये 8 महीने में उसने महसूस करा दिया कि वो आपके साथ है। हालेलुया, इन 8 महीनों में उसने बता दिया कि मैं हूं। दुनिया, वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक घमंड करते थे, हमने ये इजाद किया, हमने वो इजाद किया है, सब घुटने पे आ गए, कहीं कुछ सवाल का जवाब नहीं, कुछ सवाल का जवाब नहीं। और किस तरीके से हमने आशीष पाई, मैं एक दिन क्या, एक वक्त की रोटी के लिए भी मैं भूखा नहीं रहा। अद्भुत आशीष दिए परमेश्वर ने, और दिया इतना दिया कि हमने बांटा भी। हमने अपने तकरीबन 60 परिवारों को राशन दिया, अपने चर्च के 60 परिवारों को हमने, हमने नहीं दिया, प्रभु ने दिया, हम कौन होते हैं देने वाले। लेकिन परमेश्वर ने मार्ग खोला। ऐसी स्थिति में हमने सबको फोन किया, किसको नहीं चाहिए, किसको क्या चाहिए, और घर जाके हमारे बच्चों ने, देवशीष, संतोष, सब लोगों ने घर जा जाके, वैसी स्थिति में, अभी तो खैर स्थिति खुल गई है, ऐसी स्थिति में इसकी मोटरसाइकिल चली गई, पुलिस वालों ने ले ली जब ये सेवा के लिए जा रहा था, बंद कर दी, लेकिन सेवा की। कुछ परिवारों ने नहीं लिया, कुछ परिवारों ने कि हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए, लेकिन जहां जहां हमें था और हमने पूछा, और जहां जहां उन्होंने कहा, हमने सब जगह पहुंचाया। किसने पहुंचाया? परमेश्वर ने। उसने बताया कि मैं हूं, और मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं अपने घर से नहीं निकला,
ये सारा इंतजाम भारी बार हुआ। हमारे एक दोस्त है पुलिस इंस्पेक्टर यहां पर, मैंने उनको फोन कर दिया, उसने कहा आप चिंता ना करिए आपकी बोरी जहां चाहते हैं पहुंच जाएगी। अनिशा के सारा सामान आ गया। मैंने क्या अनिशा क्या पूछिए, आप सोचिए, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना मेरे भाई, तो दूत खड़े हो जाते हैं, दूत खड़े हो जाते हैं। आप जानते नहीं आप किस पे भरोसा कर रहे हैं। इसे दाऊद कहता है, यीशु परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। ये मंत्र है, ये वचन अपने अंदर बांध लीजिए, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी कभी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसकी धार्मिकता आपकी धार्मिकता है। क्यों परमेश्वर ने उसको कहा मेरा प्रिय पुत्र है? हालेलुया। याद है आपको मती में 3:15 में क्या हुआ था? मती 3:15 में जब यीशु मसीह उस गलील झील में आए और जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने पूछा, कह रहे तुझे तो मुझे बपतिस्मा तुझसे लेना चाहिए और मैं तुझे दे रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मती 3:15 क्या कहता है? यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उसकी धार्मिकता के अनुसार जिए। हमें परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता न्याय करुणा और दया के साथ बिहा लिया है। अगर इन चार गुण जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसकी धार्मिकता दी है, करुणा, दया, अनुग्रह, न्याय, आपको इनके साथ रहना है। आप किसी से शादी करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से जब आप शादी करते हैं, जब परमेश्वर के बन जाते हैं, तो परमेश्वर की धार्मिकता आपका चिन्ह है, उसकी करुणा आपका चिन्ह है, उसकी दया आपका चिन्ह है, उसका न्याय आपका चिन्ह है, क्योंकि आप पापी थे और परमेश्वर ने आपको शुद्ध किया, आपको पवित्र किया। आपकी पवित्रता उसका चिन्ह है, आपकी पवित्रता एक चिन्ह है जिसको आपको लेके जीना है। मेरा खजाना क्या है? मेरी पवित्रता। अगर मुझमें से मेरी मसीहत निकल गई तो मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हर पल जब हम धन्यवाद कहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद कहते हुए जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं, अपने काम की शुरुआत करते हैं, घर से निकलते हैं, काम करते वक्त जब हम धन्यवाद देते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूं कि एक अलौकिक शक्ति आपके चारों तरफ होती है, एक अलौकिक सामर्थ्य आपके पास होता है, क्योंकि आप धन्यवाद कह रहे हैं। आपको पता है जब आप धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर के कामों का, परमेश्वर के प्रेम का, तो आपके अंदर पाप नहीं आ पाता। आपका धन्यवाद उस पाप को रोक लेता है, उस पाप के विचार को आपके अंदर आने से रोकता है। आपका धन्यवाद, धन्यवाद में बहुत शक्ति है। धन्यवाद को धन्यवाद, आज सोते हुए उठते हुए धन्यवाद क्यों कहना चाहिए? क्यों परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके धन्यवाद कहें? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निकालिए 68:19-20 भजन 68:19-20। परंतु हे प्रभु, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन। आप समझते हैं कि आप अपनी बुद्धि से काम कर रहे हैं? आप समझते हैं कि मैंने प्लानिंग की और सक्सेसफुल हो गई? नहीं, वो परमेश्वर प्रतिदिन, इसीलिए तो वो उत्तर देता है आकाश को, आकाश उत्तर देता है धरती को, धरती उत्तर देती है खाने पीने के सामानों को, उपज को, फसल को, और फसल आप तक पहुंचती है, फसल आप तक पहुंचती है,
प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब वचन कहता है कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, इसीलिए वो हमारा उद्धार करता है प्रतिदिन, हर पल, हर पल। हर पल वो आपका बोझ उठाता है, हर पल, हर पल। यानी कि अगर वो आपका हर पल बोझ उठाता है तो आप सोचिए कि वो आपको कितना प्यार करता है, और आपका वो जो हथेली पर उसने आपका नाम लिखा हुआ है वो सच है। हर पल वो आपका बोझ उठाता है, हर पल वो आपके साथ है। इसलिए कोई भी विपत्ति आपको दूर नहीं कर सकती है। क्यों विपत्ति से आप डरते हैं? क्योंकि आप परमेश्वर के करीब नहीं है, आप परमेश्वर के करीब नहीं है। जिस दिन हम परमेश्वर के करीब हो जाएंगे, जिस दिन आप महसूस करने लग जाएंगे, जिस दिन आत्मा में उसको आप रोज महसूस करेंगे, आपके लिए विपत्तियां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ अस्तित्व नहीं है विपत्तियों का। क्या है, कौन सी विपत्ति है? वो संसार को जीत चुका है, हमारे पास वो विश्वास है जो हमने संसार पर विजय प्राप्त की है। पहला यूहन्ना 4:5-4, हमने वो संसार पर विजय प्राप्त कर चुका है, और हम छोटी सी विपत्ति की बात कर रहे हैं, हम छोटी सी रुकावट की बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी आपकी विपत्ति आपके सामने आती है तो धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। आपको पता है विपत्ति क्यों आती है कभी कभी आपके पास? आपको पता है, कभी कभी वो आपको तोड़ना चाहता है और तोड़कर जोड़ना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। वो चाहता है कि आप मजबूत हो, वो चाहता है कि मेरा बच्चा, क्योंकि आने वाला समय ब्रदर वो समय है, अगर हम मजबूत नहीं हुए तो हम पीछे हट रह जाएंगे, अगर हम मजबूत नहीं हुए तो हम पीछे रह जाएंगे। वो आपको मजबूत करना चाहता है। धन्य है वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, याकूब 1:12। धन्य है वो जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि स्थिर रहकर वो उस खरे मुकुट को उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए मुकुट तैयार किया है। वो कब मुकुट मिलेगा? जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे। आप परीक्षाओं में स्थिर कब रहेंगे? जब आप उसको जान लेंगे, जब आप धन्यवाद देंगे परीक्षाओं में भी, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। तब आप उसकी धार्मिकता को साथ में रखेंगे, उसकी स्थिरता के साथ रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। आपकी स्थिरता आपको खरा करेगी। देखिए, परमेश्वर क्या चाहता है? आप सिद्ध बने। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप यूं ही जिंदगी बिताएं। क्या आप चाहते हैं आपका बेटा ऐसे ही रहे? आप चाहते हैं ना कि मेरा बेटा यार सिद्धता की ओर बढ़े, मेरे बेटे में वो हर चीज से लड़ने के लिए मेरे बेटे में वो शक्ति हो, नहीं चाहते आप? हालेलुया। आपका मुकुट कब मिलेगा? जब आप स्थिरता के साथ, आप परीक्षा में जब स्थिर होंगे तो वो मुकुट पाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है कि वो मुकुट तुम्हें मिलेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या है आपके पास? पता है आपके पास क्या है? अभी क्या है आपके पास? Ephesians 6:14। 6:14, अभी आपके पास क्या है? देखिए, मैं आपको इस मुकुट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। Ephesians 6:17-17। और उद्धार का टोप और आत्मा की 16 से पढ़। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17वां ध्यान पढ़िए।
और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। आपका सभी क्या है? उद्धार का टोप है, मुकुट नहीं है। मुकुट नहीं है आपके पास अभी तो, आपका उद्धार का टोप आपने पहना हुआ है। उद्धार का टोप, मुकुट आप अगर स्थिरता के संग रहेंगे तो मुकुट वहां मिलेगा आपको। अभी हमारे पास उद्धार का टोप है और आपकी स्थिरता, आपका धन्यवाद, आपका प्रेम परमेश्वर के लिए आपको मुकुट दिलवाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए की है। तो आप सोचिए, आप उद्धार के टोप को नहीं संभाल पा रहे, मुकुट बहुत दूर की बात है। हेलो, समझ रहे हैं आप टोप और मुकुट का मतलब, चेंज, इसमें डिफरेंस समझ रहे हैं? आपके पास उद्धार का टोप है, मुकुट नहीं है। मुकुट आपको मिलेगा सिंहासन के सामने, लेकिन वो कब मिलेगा? जब आप इस टोप को, उद्धार के टोप को लिए रहेंगे और वचनों से उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर वक्त ले लो। आत्मा की तलवार से जीवन को जियो। आपके पास वचनों की शक्ति होनी चाहिए, इसलिए कलीसिया जरूरी है, इसलिए कलीसिया में वचनों को समझना जरूरी है, इसलिए कलीसिया को अगर आप अहमियत नहीं देंगे, आप आत्मा की तलवार से जीवन नहीं लड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहला वचन क्या कहता है? इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समक्ष अग्नि बाणों को बुझा सको। आपको पता है, जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो 24 घंटे आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको, आपकी तरफ बाण छोड़ रहा है, अग्नि के बाण, 24 घंटे, वो 24 घंटे आपको देख रहा है। बता रहा हूं मैं कि आप क्या करते हैं, आपकी कौन सी कमजोरी है। आप संडे के संडे प्रार्थना करके चुक जाते हैं, बस हो गया। इतना आसान नहीं है, प्रभु में जीना आसान नहीं है। यीशु आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसको संभालने के लिए, उसको अपने अंदर रखने के लिए आपको संसार से अलग होना पड़ेगा, आपको आत्मिक जीवन जीना पड़ेगा, आपको वचन, आप कभी आपने सोचा है कि आज का दिन मैं कौन से वचन के अनुसार जी रहा हूं, ये वचन, ये काम मैंने किस वचन के अनुसार किया, कभी सोचा है आपने? आप बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, वचन क्यों है आपके लिए? ताकि आप वचन के अनुसार जीना सीखिए। हेलो, वचन के अनुसार जीना सीखिए। धन्य है वो जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का अधिकारी वही है। क्या आपके काम में दीनता है? क्या आपके व्यवहार में दीनता है? क्या आप जब अपने घर में अपनी पत्नी से बात करते हैं, दीनता के साथ करते हैं? वचन है, धन्य है जो मन का, धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी का अधिकारी होगा। यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उस अधिकार का सबसे आधार क्या है? नम्रता। क्योंकि जो दल राजा क्रूस के दिनों में बेबीलोन से आया था, तकरीबन 50,000 लोग आए थे यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तो महायाजक को, जो यहोशू था, उसको मुकुट पहनाने के लिए, उसके वस्त्र गंदे थे, और परमेश्वर ने कहा, और साथ में खड़ा हुआ था शैतान, तब परमेश्वर ने कहा, शैतान मैं तुझे डांटता हूं, निकल, तभी इसके वस्त्र पवित्र होंगे, और यहोशू के वस्त्र पवित्र किए गए। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको शैतान की चिंता नहीं कि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, शैतान, अरे शैतान की कोई शक्ति नहीं है। हम शैतान को अहमियत दे रहे हैं,
इसलिए हम धन्यवाद नहीं बोल पाते। शैतान का कोई अस्तित्व नहीं है। कुलुसिया 2:15 का कहता है कि परमेश्वर ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। उसकी शक्ति थी, उसके पास अधिकार था जब यीशु मसीह को ले गया था। वो मती 4 लूका 4 में उपवास के समय में, और यीशु मसीह उसके कहने पर गए, चलो यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, उसके पास अधिकार था। लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वो अधिकार ले लिया गया। अब शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। शैतान आपके मन को नहीं जानता है कि आपके मन में क्या है, ना उसके पास शक्ति नहीं है। आप क्या समझते कि शैतान आपके मन को जानता है, आपके मन की बातों को? नहीं, सिर्फ परमेश्वर है जो आपके मन की बातों को जानता है, और कोई दूसरा नहीं है। 1 कुरिन्थियन 2:11 पढ़िए, सिर्फ परमेश्वर है जो आपके मन को जानता है, शैतान नहीं जानता आपके अंदर क्या है। ये तो शैतान आपको बहकाता है, आपको डराता है, और आप बोलते हैं, तब वो पकड़ता है उन बातों को। हेलो, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? शैतान आपको डराकर आपके मन की बात उगलवाता है, और आप बोलते हैं कि मेरा अच्छा कभी नहीं होगा, मेरा धंधा नहीं चलेगा, मेरे कर्जे कैसे उतरेंगे, नहीं उतरेंगे, अरे मेरे पास कुछ नहीं होने वाला है। आप निगेटिव बुलवाता है और वो पकड़ता है आपके मुंह के वचनों को। इसलिए वो बोलता है आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है शैतान के पास, ना वो जानता है कि आपके अंदर। इसीलिए कहता हूं धन्यवाद बोलो। अगर आधी रोटी है धन्यवाद दो, आधी रोटी आप संदेह करेंगे क्या है परमेश्वर। 4 लोग खाने वाले हैं और अपना आधी रोटी दी, क्या परमेश्वर क्या है, हम आपसे इतना प्यार करते हैं। यानी कि शैतान को आपने बता दिया कि आप परमेश्वर में कमजोर हैं। देने वाला कौन है आपको? परमेश्वर। शैतान दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप धन्यवाद कहेंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, आज एक रोटी है, और मैं विश्वास करता हूं कि इस एक रोटी से हम पूरा कुटुंब खाएंगे और आशीष पाएंगे। क्या करा था यीशु मसीह ने? 5,000 लोग, जो बाइबल में लिखा है, तकरीबन 12,000 लोग थे, 5 रोटी और 2 मछलियों, क्या किया था? धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे ही उसने कहा, वो रोटियां बहुगणित हो गई, बहुगुणित। आप धन्यवाद बोलिए, आपकी आशीषें बहुगणित हो जाएंगी, आपकी आशीषें बहुगुणित हो जाएंगी। धन्यवाद पिता, तू मेरे साथ है, धन्यवाद। दोष मत लगाइए, शैतान चाहता है। अय्यूब ने दोष नहीं लगाया, बीवी ने दोष लगाया। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, मैं लाया क्या था? उसने दोष नहीं लगाया। शैतान को आप अधिकार देते हैं कि वो आपके जीवन में घुसे, आप दरवाजे खोलते हैं। शैतान की हिम्मत नहीं कि वो आपके अंदर घुसा है। आप नहीं जानते आप हैं कौन, आप नहीं जानते कि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। अरे आप धन्यवाद कहकर उसका उपयोग तो करिए। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद परमेश्वर के सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। धन्यवाद करिए और प्रार्थना करिए। इसलिए वो कहता है यिर्मयाह 33:3, प्रार्थना करो और मेरे करीब आओ। हेलो, मैं तुम्हें वो बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए ये बातें कठिन होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। लेकिन वो कब बताऊंगा? जब तुम मेरे करीब आओगे, जब तुम करीब आओगे। धन्यवाद आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मूसा कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अकेले, मुझे ये जीवन चाहिए नहीं अगर तू नहीं है तो। नहीं,
हालेलुया। क्या आपने कभी मूसा के जैसी प्रार्थना की है? हेलो, मैं आपको सच बता रहा हूं, प्लीज मेरे भाई, परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए रोज उसका धन्यवाद करिए, उसकी आशीषों को अपने जीवन में महसूस करिए, उसकी उपस्थिति को महसूस करिए। छोटी से छोटी बातें, छोटी से छोटे सुख, छोटे से छोटी चीजें जो परमेश्वर आपके लिए करता है, और जिस दिन आपने उस चीज को महसूस करना शुरू कर दिया और धन्यवाद देना शुरू कर दिया, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी और एक अद्भुत शक्ति का एहसास करेंगे आप। इसलिए मैं चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं, ये जो आने वाला 2021 है, हम आ चुके हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, धन्यवाद की आत्मा को आपने साथ रखिए। हो सकता है आपकी विपत्ति, आपकी विपरीत स्थितियां हो सकता है आपके घर के हालात अच्छे नहीं है, हो सकता है कि आपका पति आपको छोड़ गया हो सकता है आपके बच्चे बिगड़ गए हो सकता है आपको कुछ चीज चाहिए, आप मां बनना चाहते हैं, आपको मां नहीं बन पा रहे हैं सालों से, हो सकता है। लेकिन मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, हर काम में, हर पल, हर सुबह परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे बहुत दिया है, आपने मुझे बहुत दिया। Praise the Lord, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं दिल से और जब आप धन्यवाद करके परमेश्वर के चरणों में उसके प्रेम को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, मैं कहता हूं जो शैतानी आपके अंदर, आपके आसपास जो शैतानी युक्तियां हैं ना, जो नेगेटिविटीज हैं, वो सब निकल जाएंगी, सब निकल जाएंगी, सब निकल जाएंगी। आप करना सीखिए। इस 2021 में सबसे बड़ी चीज यही है कि हम धन्यवाद दें, धन्यवाद दें जो हमने 2020 साल निकाला है। लोग कह रहे हैं बड़ा कष्ट से था, बहुत गलत था, सब लोगों का बहुत दुख हुआ। मैं कह रहा हूं 2020 ने मुझे परमेश्वर के और करीब लेकर आया। मैं सच कह रहा हूं, 8 महीने परमेश्वर के मैं और करीब आया, मेरी बाइबल में और कुछ समझाना परमेश्वर ने सिखाया है। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का कि मुझे मौका दिया उसने करीब आने के लिए। हमने तकरीबन मार्च से लेकर और नवंबर तक हम रोज जूम मीटिंग करते थे, डेली। कितनी किताबें हमने चर्च में खत्म कर दी, रोज हम मीटिंग करते थे, रोज, एक दिन भी नहीं था। अपने पूरे चर्च के संग, जो 25-30 परिवार हमारे संग जुड़ सकते थे नेटवर्क के द्वारा, सब जानते, रोज हम परमेश्वर के करीब थे। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद ही एक ऐसा स्वभाव है, धन्यवाद ही एक ऐसा वरदान है, और धन्यवाद ही एक ऐसी शक्ति है जो आपको परमेश्वर के करीब लेके जाएगी और परमेश्वर के करीब रखेगी, आपको दूर नहीं होने देगी, आपके अंदर गलत विचार नहीं आएंगे, आपके अंदर संदेह नहीं आएगा, आपके अंदर लालच नहीं आएगा, आपके अंदर अविश्वास नहीं आएगा, और आप उस उद्धार के टोप को संभाल के चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, हमें हर हालत में, हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हर पल, हर क्षण, सुबह उठते ही धन्यवाद दीजिए। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका काम, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। एक धन्यवाद, एक शब्द, एक ऐसा है जो आपको हर बंधन से आजाद करेगा और परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं और नए साल की एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं कि परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष दे। हालेलुया।